स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज के वीडियो में एक नया रॉम लेके आया हूँ Redmi के Poco M2 Pro में, जिसका नाम है Ancient OS। तो हम देखेंगे क्या कुछ फीचर्स हमें इस रॉम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले एंड्रॉयड वर्जन की बात करूँ तो एंड्रॉयड वर्जन 10 का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो गाइस ये एक फाइनल बिल्ड है, तो इसमें आपको कोई भी मेजर बग्स देखने को नहीं मिलेगा। तो हम देखेंगे क्या कुछ परफॉर्मेंस और फीचर्स हमें इस रॉम में देखने को मिलता है। तो गाइस सबसे पहले बात करूँ एंशियंट वर्जन 4.0.1 देखने को मिलता है, और गाइस इसका जो सिक्योरिटी पैच है 5 नवंबर का देखने को मिलता है। कर्नल की बात करूँ तो 4.14.209 इटोरियस कर्नल देखने को मिलता है, और गाइस जो इसका बिल्ड डेट है 27 नवंबर का देखने को मिलता है। अब गाइस देखेंगे हमें क्या कुछ फीचर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इसमें आपको एक यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में आपको कुछ एनिमेशन वगैरह देखने को मिल जाएगा, और गाइस आप इसको पुल डाउन करते तो यहाँ पे भी कुछ आपको ब्रश्ड इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। एनिमेशन बहुत कुछ है इसमें, आप यहाँ पे देख सकते हो सेटिंग का आइकन्स मूविंग देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कुछ एनिमेशंस वगैरह सब जगह पे देखने को मिलता है। तो गाइस अब बढ़ते हैं इसके बाकी के चीज़ों की तरफ में। तो हम इसका सेटिंग खोलेंगे और जाएंगे इसके सिक्योरिटी के तरफ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फेस अनलॉक का फीचर आपको इसमें देखने को मिलता है, ऐप लॉकर का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, फिंगरप्रिंट अनलॉक का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो सभी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलता है, कोई भी सिक्योरिटी की फीचर मिसिंग देखने को नहीं मिलती। गाइस दोनों ही काफ़ी परफेक्टली वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दोनों ही सेटअप कर रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको फिंगरप्रिंट टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। मैंने फिंगरप्रिंट का बटन प्रेस नहीं कर रहा, उसी रख रहा हूँ, तो ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। फेस अनलॉक भी काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फेस अनलॉक भी इसमें आप देख सकते हो ANX कैमरा प्री इंस्टॉल्ड आपको इस रॉम के साथ देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। तो यहाँ पे कुछ आपको मोड्स देखने को मिलता है, जैसे कि प्रो मोड, वीडियो मोड, फोटो, पोर्ट्रेट मोड। और गाइस यहाँ पे मोर में आपको कुछ और भी ऑप्शन देखने को मिलेगी, जैसे कि शॉर्ट वीडियोस का, 48 मेगापिक्सल का, स्टिकर, अवतार, स्लो मोशन, ये सभी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो जैसे यहाँ पे आप ऊपर क्लिक करोगे तो आपको कुछ मोड्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप क्लिक करोगे हर एक मोड में सेटिंग्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी। ये काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं। यहाँ पे गाइस ANX स्कैनर का भी सपोर्ट आपको प्री इंस्टॉल्ड इस रॉम के साथ देखने को मिलता है। गाइस इस रॉम में आपको GApps की फाइल बाहर से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, आपको प्री इंस्टॉल्ड रॉम के साथ ही देखने को मिल जाता है। गाइस DRM इन्फो को बात करूँ तो वाइड वन L3 का सपोर्ट देखने को मिलता है। सेफ्टी नेट फीचर की बात करूँ तो इसे मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ, तो ये भी आपको पास देखने को मिलता है। गाइस मैंने अभी तक ये रॉम को रूट नहीं किया, तो मैंने कोई भी बाईपास की ट्रिक अभी तक यूज़ नहीं। यहाँ पे हम जाएंगे इसके सेटिंग के तरफ में और गेस्चर्स वगैरह देखेंगे क्या कुछ देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे जाएंगे सिस्टम में, और यहाँ पे आपको गेस्चर्स का कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। गाइस ये ऑप्शन गेस्चर का ऑप्शन आपको एंशियंट फीचर में देखने को मिला है, जैसे कि यहाँ पे आपको गेस्चर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सिस्टम गेस्चर पर क्लिक करोगे तो आपको देख सकते हो तीनों ही गेस्चर देखने को मिलता है। और गाइस यहाँ पे फुल स्क्रीन गेस्चर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि आपका बॉटम लाइन गायब हो जाता है और बिना बॉटम लाइन के आप यूज़ कर सकते हो गेस्चर्स। तो ये सभी चीज़ें आपको इसमें प्री इंस्टॉल देखने को मिलती है। टू बटन नेविगेशन भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, तो उसके रिगार्डिंग में आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस अब बढ़ते हैं इसके बाकी के फीचर्स के तरफ में। तो हम जाएंगे एंशियंट फीचर्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्टेटस बार, यूजर इंटरफ्रेंस, एम्बियंट डिस्प्ले। तो एम्बियंट डिस्प्ले आपको ऑलवेज ऑन देखने को मिल जाता है, जैसे कि अपना फ़ोन ऑफ करते हो तो ये ऑन हो जाता है, तो ये इसमें आपको ऑलवेज ऑन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे और भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जैसे कि आप चार्जिंग करते हो तब आपका फ़ोन ऑन होना चाहिए, वो भी देखने को मिल जाता है। ऑलवेज ऑन होकर आपको ऑलवेज ऑन नहीं करना, तो टिल्ट सेंसर ऑन कर सकते हो, जैसे कि आपका फ़ोन टिल्ट करते हो तो ऑन हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे और भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि बटन्स आप वॉल्यूम के रॉकर्स वगैरह कस्टमाइज कर सकते हो। स्क्रीन ऑफ टॉर्च देखने को मिलता है, डबल टैप आप पावर बटन को क्लिक करोगे तो टॉर्च ऑन हो जाएगा। नेविगेशन बार का ऑप्शन देखने को मिलता है, इन्वर्ट लेआउट का। लॉक स्क्रीन में आपको कुछ सेटिंग देखने को मिल जाएगा, लॉक स्क्रीन में कस्टमाइजेशन करने का। नोटिफिकेशन में आपको कुछ किल ऐप बटन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन आता तो ये बटन आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस एनिमेशन में आपको कुछ एनिमेशन ड्यूरेशन देखने को मिल जाएगा, तो इसे आप ऊपर नीचे करके कस्टमाइज कर सकते हो। गाइस यहाँ पे मिशीलियस में भी कुछ सेटिंग देखने को मिल जाए, तो ये कुछ आपको इस रॉम में फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो गाइस अब बढ़ते हैं इसके इंस्टॉलेशन के लिए। तो इंस्टॉलेशन में मैं अपना फ़ोन बूट कर लेता हूँ रिकवरी मोड में। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा फ़ोन सक्सेसफुली बूट हो चुका है रिकवरी मोड में। आप हम सबसे पहले सभी चीज़ें वाइप कर लेंगे, तो इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसे मैं सिलेक्ट करके वाइप कर लेता हूँ। इसके बाद गाइस आपको सिंपल सा फैक्ट्री रीसेट करना है, तो ये फैक्ट्री रीसेट कर लीजिए। अभी गाइस आपको क्या करना है, इंस्टॉल पर जाना, मैंने सभी फाइल्स डिस्क्रिप्शन में दे रखूँगा। तो आपको अपने मेमोरी कार्ड या इंटरनल स्टोरेज में कॉपी कर लेना है फॉर्मेट करने के बाद। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे पहले सबसे पहले अपना रॉम। तो मैंने फ्रेमवेयर की फाइल नहीं इंस्टॉल कर रहा, मैं डायरेक्टली रॉम फ्लैश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुका है,
फ्लैशिंग में गाइस आपको 2 से 3 मिनट लेंगे, तब तक के लिए आप वेट कर लीजिए। और गाइस फ्लैश होने के बाद आपका फॉर्मेट डेटा कर लीजिए, उसके बाद अपना फ़ोन रिबूट कर लीजिए। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अब नए वीडियो में नए रोम के साथ।